हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। ये है आपका टेंस का जो सीरीज स्टार्ट किया गया था, आज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसे पढ़ेंगे और कैसे वाक्य बनाया जाता है और कैसे इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है, ये सारा सब कुछ इसमें बताएंगे। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखिए ये लिखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। थोड़ा सा कलर कोई इस कलर का ले लेते हैं, ठीक है? देखिए कि ले रखे हैं यहाँ से आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है? इसमें इसकी पहचान पहले देख लेते हैं, कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। लिखिए, जिन वाक्य के अंत में, मतलब कोई वाक्य है उसके अंत में यदि ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, ते हैं, ती है, या ती हैं, या ता हैं, इत्यादि लगे होते हैं, ऐसी क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। ठीक है, आप इसे कॉपी में नोट करते चलिएगा तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि पर डे ऐसे थोड़ा थोड़ा टेंस करके आपको एक एक पढ़ाया जाएगा। हम 48 दिन के अंदर क्या करेंगे, पूरा यानी सेंट आपका जो टेंस है ख़त्म कर देंगे, ठीक है? तो यानी आपको ये है, जिन वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हैं, ते हो, ती हैं, ती हो, ते हैं, ती हैं, ती हैं और ता हैं, इत्यादि लगे होते हैं, इनका अनुवाद किस में किया जाता है? प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस में। किस में? प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है, ठीक है? ये क्लियर हुआ। अब आते हैं अनुवाद करने के कुछ नियम देख लेते हैं, ठीक है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का यानी अनुवाद करने के नियम क्या कह रहे हैं, विधि। सबसे पहले क्या लिया जाता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद क्रिया। एक्चुअली देखिए यहाँ से थोड़ा सा आधार नहीं लगा है, यहाँ से आप क्रिया इसे समझिएगा, ठीक है? यानी क्रिया या वर्ब का मूल रूप प्रयोग कर अन्य शब्दों को रखा जाता है। मतलब क्या किया जाता है, पहले देखिए क्या किया, ये जो कह रहे हैं पहले किसको लिखा जाता है, एक्चुअली सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद आपको वर्ब यानी क्रिया को लिखा जाता है, उसके बाद कोई अदर वर्ड है तो उसे अदर वर्ड को उसके बगल में आप लिख देना। जैसे एक एग्जांपल हम नीचे लिए हैं आपके सामने, लिखा है यानी जैसे तुम रोटी खाते हो, कलर थोड़ा सा क्या बताएं, इसी तरह से सभी कलर हैं, ठीक है? यहाँ से ये वाला कलर थोड़ा सा सफिशियंट है। लिखा है तुम रोटी खाते हो, तो बताओ यू का तुम्हारा क्या होगा, यू मीन्स क्या होता है, तुम, तो हमने यू लिख दिया। खाते हो तो बताओ क्रिया, खाते हो तो हमने क्या लिख दिया है, ईट लिख दिया है। उसके बाद हम लिख दिए हैं, ये लिख दिए हैं, ठीक है? इसमें लिख दिए हैं रोटी, तो रोटी को हमने क्या लिख दिया, एक्चुअली ब्रेड लिख दिया। तब देखिए क्या लिखा है, तुम का हमने यू लिख दिया और खाते हो ये क्रिया है तो क्रिया का ईट लिख दिया, रोटी ब्रेड हो गया। तो यानी तुम रोटी खाते हो, यू ईट ब्रेड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब चलिए सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं, उसके बाद और कुछ नियम पढ़ लेते हैं। ये लिखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट इफ, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट हम आज पढ़ेंगे एफर्मेटिव। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यानी जितना भी वीडियो बनाया जाएगा आपको आराम से नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा, ठीक है? अब नोट ज़रूर बनाइएगा बाबू, एक कॉपी खरीद लिए उसमें आप लिखिए, लिखते रहिए, ठीक है? थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक? प्रेजेंट इंडिफिनिट एफर्मेटिव को हम पढ़ेंगे। देखिए वाक्य बनाने की कुछ विधियाँ हैं, क्या कह रखा है, यदि कर्ता एक वचन हो तो, क्या यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में यस या ईयस लगा देते हैं, क्या यस या ईयस लगा देते हैं, यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में यस या ईयस लगा देते हैं, अथवा यदि कर्ता बहुवचन हो तो यस या ईयस नहीं लगाते हैं। अब देखिए ये था, अब जैसे यहाँ से एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब एक वचन में क्या होगा, एक वचन में ये शब्द आएंगे, यानी वह रहेगा या किसी व्यक्ति का नाम रहेगा या किसी चीज़ का नाम रहेगा, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो एक वचन के अंतर्गत आएगा। दूसरा यानी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुवचन यानी वे, तुम, हम, मैं, कौन सा वर्ड बोल दिए, वे, तुम, हम, मैं, ये सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? अब के नीचे यहाँ देखते हैं, दोबारा बता रहे थे बधी की यानी
एक वचन के साथ ये यस या ईयस लगा देते हैं, बहुवचन के साथ क्या होता है यस या ईयस नहीं लगाते हैं। ठीक है, टेक तो ये तुम्हारा एक वचन के लिए यहाँ दिया है, बहुवचन के लिए कुछ शब्द हैं ETC, यहाँ पर इत्यादि आप लिख दीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट हैं। ठीक है ETC, चलिए हम नेक्स्ट चल पे चलते हैं। ये लिखा है कुछ रूल हैं, ठीक है ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं नियम। पहले देखते हैं, पहले सबसे पहले कर्ता लिखना है, ठीक है, यानी वाक्य बनाने के नियम, सबसे पहले कर्ता लिखना है, फिर मुख्य क्रिया लिखना है, फिर अन्य शब्द को लिखना है, यानी पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है, फिर अदर ऑब्जेक्ट यानी वर्ड लिख देना है, जो वर्ड रहेगा उसके बगल में लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है, यानी एग्जाम्पल में दे रखा है मैं पत्र लिखता हूँ, देखिए नाम से ही पता है लिखता हूँ, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये चला गया। ठीक है, ऐसे वर्ड को पहचानेंगे तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक, धीरे धीरे आप पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, लिखा है मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं के लिए क्या होगा, आई हमने यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लिखता है यानी लिखता है मतलब काम कौन कर रहा है, क्रिया हो रही कि नहीं, तो हमने क्या हो गया राइट लिख दिया। ठीक, ए राइट यानी ए लेटर मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है, तो ये है तुम्हारा पहला सेंटेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट सेकेंड यानी नेक्स्ट सेंटेंस पे, लिख रखा है यानी वह बाजार जाता है, यानी वह बाजार जाता है, ठीक है, तो इसमें बताए हैं वह के लिए कि हमने क्या के लिख दिया, ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यानी वह के लिए ही लिख दिया। और यदि वह सी भी लड़की के लिए यूज किया जाता है, ही लड़के के लिए यूज किया जाता है, ठीक, मेल और फीमेल पर डिपेंड करता है। ठीक, अब यहाँ से देखो का जाता है, तो बताओ जाता के लिए हम क्या दिया, यस यानी गोज लिख दिया, उसके बगल में यस या ई एस लगा दिया, और उसके बगल में क्या लगा दिया हमने, टू लगा दिया, उसके बाद बाजार को क्या लिख दिया, मार्केट लिख दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका क्या हो गया, मैं बाजार जाता हूँ, ही गोज टू मार्केट, कौन सा, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, अब टू क्यों लगाया गया है, इसके पहले हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, कुछ और रूल हैं टू क्यों लगाया जाता है। ठीक है, चलिए ये था इसके बारे में। लिखा है गाय घास खाती है, यानी गाय घास खाती है, ठीक है, तब क्या लिख रखा है, द काऊ गाय के लिए क्या लिख दिया हम, काऊ लिख दिया, खाती है तो इट हमने लिख दिया, इट्स लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या लिए हो गया, यानी घास, तो हमने घास को क्या लिख दिया, ग्रास लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी ये तुम्हारा था किसके बारे में, यानी ये टेंस सेंटेंस। अब आप घर पे ट्राई करिएगा, देखिए कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इन तीनों का क्या लिख रखा है, गायें घे यानी गायें घास खाती हैं, क्या, गायें घास खाती हैं, ठीक है, ये सेंटेंस गाय का क्या हो गया, द काऊ, ठीक, अब खाती हैं तो इट्स लिख दीजिएगा। ठीक है, अब घास है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ग्रासेस लिख देना है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, काउस यानी गायें बहुत सारी हैं, तो यस या ई एस लगा दीजिएगा कर्ता में। ठीक है, दूसरा देखा सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य को लिखेंगे द सन, अब देता है तो क्या लिख देंगे, गिव, उसके बाद अब प्रकाश है तो उसको यानी लिख देंगे ब्राइट या और कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये बनाइएगा, यदि नहीं आएगा तो बताइएगा। लिखा है मैं पत्र लिखता हूँ, यानी मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं मतलब क्या हो गया, यानी कर्ता हो गया, लिखने का काम क्रिया हो गया, पत्र हो गया, जो अन्य शब्द है वो लगा दिया गया। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, और कुछ है, ठीक, ये तो आपको क्या करना है, हिंदी से पहले इंग्लिश बनाना है, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा, हम आपको दे देते हैं, इंग्लिश दिया रहेगा हिंदी बनाना रहेगा, इंग्लिश दिया रहेगा हिंदी बनाना रहेगा, यहाँ आपके सामने ये है, यानी ट्रांसलेट इनटू द हिंदी, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है, यदि नहीं लिख पाते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बुक में ज़रूर लिखिएगा। ठीक, ट्राई करिएगा, क्योंकि सेंटेंस जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लिखा है आई सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, आई मैं सिंगिंग गाना, सॉन्ग गाते हैं, ठीक, तो ये आपको लिखना है, सॉन्ग गाना हो गया, सिंगिंग मतलब गाते हैं, ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। वी राइट ए लेटर, ठीक, वी मतलब हम हो गया, राइट मतलब लिखना हो गया, ए लेटर मतलब पत्र हो गया, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। ठीक, और तीसरा दे रखा यू ड्रिंक टी, आप क्या, हम क्या, यू मतलब तुम, ड्रिंक मतलब पीना, टी मतलब चाय, तो इसे आप लिख दीजिएगा।
ठीक। और क्या लिखा है, यू ईट राइस, क्या लिखना है, यू ईट राइस, राइस नहीं राइज है, ठीक है, तो इसे आप लिख दीजिएगा, ठीक। और कुछ वोकेबलरी देखिए, आप पर डे कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग जरूर याद रखिएगा। याद यदि आप ज़्यादा नहीं 5 से 10 मीनिंग पर डे याद रखते हैं तो आपका सेंटेंस बनाने में बहुत ही हेल्पफुल करेगा, ठीक। नीचे हम वोकेबलरी कुछ दे रखे हैं वर्ड मीनिंग, जैसे लिखा है खींचना, खींचना को क्या करते हैं, टू ड्रा, क्या करते हैं, टू ड्रा, इसे हम क्या करते हैं, खींचना बोलते हैं। और क्या होता है, खिलाना, ठीक है, खिलाना कहते हैं टू फीड, इसका मतलब क्या होता है, टू फीड मतलब क्या होता है, खिलाना, ये वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, यानी पकड़ना, यानी टू कैच, टू कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है। और दूसरा यानी चौथा दे रखा है सब कुछ, मतलब एवरी थिंग मतलब क्या होता है, सब कुछ, एवरी थिंग मतलब सब कुछ। सिनेमा देखना मतलब क्या हो गया, टू वॉच, देखना का क्या हो गया, टू वॉच द सिनेमा, लिखा है टू वॉच द सिनेमा, यानी सिनेमा देखना। ये था आपका ट्रांसलेट का प्रेजेंट इंडिफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस का पहला लेक्चर, ठीक। अब मिलेंगे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट निगेटिव में जल्द ही, और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट।